हज़ार की तरह इस साल भी 11वीं शरीफ की मुबारक मौके पर महफिल गोसे आज़ाम हज़रत मौलाना मोहम्मद फजली हक कादरी की घर में बहुत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई है। बता दी कि जिसमें शहर की कोटा के सादे किराम उल्मा एली और मुसादीन और दीगर आशिकारी गौस की पाक कसी तमाम में शरीक हुए हैं। वही गौसे अजाम रजियाउल्लाहु उन्हों की शान में मनकते पढ़ाई गई हैं। बता दें कि उलामे किराम से गौसे के अजाम की मुबारकबाद जिंदगी मुख्तलिफ और गोशों पर रोशनी डाली गई है और आपकी सीरत और स्वर्ण पर अमल करने की अपील भी की गई है। बता दें कि महफिल गोसे अजाम की सरपरस्ती हज़रत मौलाना सैयद तफजल हुसैन इमाम शाही जमा मस्जिद शहर कोटा और हजरत इमाम जिलानी मस्जिद बाबा सूफी नूर मोहम्मद कुरैशी शहबान की ओर से सदरत असरी गौसे अज़ाम मौलाना फजली हक पूर्व चेयरमैन राज मदरसा बोर्ड और मौलाना सैयद मुख्तार सरहद इमाम एसोसिएशन द्वारा ही मौलाना कमरुद्दीन अशरफी सेक्रेटरी इमाम सिक्योरिटी ने खिताब फरमाया है और कारी इकबाल नाजमी और अनवर कादरी और आदरुल अलूम अताई सारुल की तलवाओं में मनकबे पेश किए गए हैं। बता दें कि मोहम्मद फैजन उल हक ने उलमाओं और इमामों को इस्तकबाल में शॉल ओढ़ाए हैं।